सो भाई आप भी इनसे लो, देते हैं सेवा करते हैं भाई। हाथ दूर रखो, थोड़ा हाथ हाथ दूर रखो, मैं सबको दूंगा। ले बेटा तू ले जाने। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अचुतली, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं होप कर रहा हूँ कि सारे अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए। और आप ये पीछे देख रहे होंगे जो कि सिल्वर बटन मेरा YouTube की तरफ से अवार्ड आया, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे ये बात शेयर की जाए। मैं भी घर से बाहर नहीं जा रहा, तो आप भी ना जाइए। बहुत ज़रूरी काम होता तो मैं फिर घर से निकलता हूँ, अदरवाइज मैं भी घर से नहीं निकल रहा। लॉकडाउन के अंदर खुशखबरी आई थी सिल्वर बटन की, तो मैंने सोचा कि चलो यार आपसे शेयर किया जाए और आपको दिखाया भी जाए कि सिल्वर बटन की क्या कहानी है और क्या नहीं है, मेरी जो सी जर्नी है वो कैसे शुरू हुई सिल्वर बटन को लेके, और मैं इसको लगाऊंगा अभी कोई स्पेशल जगह पे। बाकी इसके लिए एक रूम बन रहा है, स्पेशल रूम के अंदर इसको लगाएंगे और तभी आपको सजाएंगे। अभी मैंने फिलहाल ऐसे इसको सोफे पे रखा है, अच्छा लग रहा था मुझे। कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सिल्वर बटन तक, मेरी कैसे जर्नी रही सिल्वर बटन तक, नहीं मैं ये बोलूंगा कि 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो वहां तक मेरी जर्नी कैसी रही, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो, जो कि मेरा एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जिससे मैं ट्रेड करके अपनी मनी को अर्न करता हूँ, जो कि मेरे काफ़ी खर्चे बिनोमो से पूरे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिनोमो पे ट्रेड कैसे करते हैं, आओ हम वीडियो देखते हैं। बिनोमो ऐप जो कि मेरे रियल अकाउंट में 40,967 रुपीज़, सबसे पहले हमने एसेट चूज कर लेना है, उसके बाद बारी आती है पैसे इन्वेस्ट करने की। हम अमाउंट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करके आज हम करेंगे 3500 इन्वेस्ट। और ग्राफ को मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे से कि क्लियर आपको नजर आए, ये मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। हमें ये प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और मैं थोड़ा सा पास करके आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन को कि आपको अच्छे से नज़र आएगा। अब हम वेट करते हैं। गाइज मैंने अर्न कर लिया 6,405 रुपये। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको ग्राफ का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे माउंटेन लाइन कैंडल बार, आप ग्राफ चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक करके आपको टूर्नामेंट्स का ऑप्शन मिलता है, टूर्नामेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वीडियो आपने देख लिया आपको समझ आ गया होगा कैसे ट्रेड करना है। आप मेरे लिंक से जाते हो तो आपको $1,000 मिलते हैं डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। पहले आप ट्रेडिंग करना सीख लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, तो पहले सीखें उसके बाद ट्रेड करें। तो देरी किस बात की, फटाफट जाएं मेरे लिंक को क्लिक करें, देन बिनोमो ऐप को डाउनलोड। दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत सही सही कमेंट्स थे, पॉजिटिव कमेंट्स थे। कमेंट पढ़ता पढ़ता थक जाता हूँ लगा लो, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी के कमेंट लाइक करे जाएं, क्योंकि मैं थंब लगा देता हूँ कि मुझे भी याद रहता है कि मुझे मैंने ये वाला कमेंट रीड कर लिया, नहीं तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने जो सा कमेंट रीड करा होता हूँ मैं भूल जाता हूँ। नहीं तो आज एक और गुड न्यूज़ लेके आपके सामने आ गए हैं कि आपने कैप्शन भी देख ली होगी और थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, कि जो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहला लाख कमाना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद तो लाखों जितने मर्जी कमा लो। और मुझे बिल्कुल भी आस नहीं थी कि मेरे पास सिल्वर बटन आएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद 2 लाख बहुत जल्दी हो गए, 3 लाख बहुत जल्दी हो गए, 4 लाख बहुत जल्दी हो गए, 4.5 लाख होने वाले हैं। फटाफट 5 लाख पहुँचा दो, उसके बाद सरप्राइज़ आएगा। गेमिंग चैनल खोल रहा हूँ, तो भाई वो वाला मैं चैनल तभी शुरू करूँगा जब मेरे उस पर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करें, देन वहाँ जाके सब्सक्राइब करें, और अपने यारों दोस्तों से भी कराएं जो गेमिंग के शौकीन हैं। पबजी हो गई, स्टार्टिंग तो मैं पबजी से ही करूँगा क्योंकि पबजी मैं बहुत खेलने का शौकीन हूँ, तो मैं पबजी से शुरू करूँगा। तो भाई वो चैनल पे फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, 10,000 के बाद वहाँ पे गेमिंग शुरू हो जाएगी। जितने ज़्यादा लोग देखने वाले होंगे मुझे भी गेम खेलने में मज़ा आएगा,
और आपके साथ भी हम लगाएंगे। 5 या 6 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई, 10 हज़ार फटाफट करवाओ और उस पर भी हम गेमिंग शुरू करें। आज निकलने का कारण ये था कि अपनी जो खुशी है वो दूसरों में जाके सेलिब्रेट करी जाए। सिल्वर बटन आया था, आपको भी पता कि सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर हेल्पिंग शुरू करी थी। एक दो बार ही हो चुका है कि मुझे कभी हेल्प की ज़रूरत रोड पर पड़ी तो किसी ने हेल्प नहीं करी, तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपने चैनल पर कोई ना कोई मैसेज दूंगा। मुझे बहुत मैसेजेज आए कि पाजी यार आप स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हो, ठीक है, पर यार हर वीडियो में मेरे एक मैसेज होता है, हर एक वीडियो में मैं मैसेज होता है कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए। भाई मोटो व्लॉगर बहुत हैं, मैं भी मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे जैसे बहुत भाई भी करते हैं। जो पहले जिन्होंने मोटो व्लॉगिंग शुरू करी थी उनको देखा देखी और भी लोगों ने कर दी, टूरिंग शुरू कर दी, सारे टूरिंग ही कर रहे थे। कोई भाई सिटी राइड, बहुत कम लोग हैं जो कर रहे थे सिटी राइड, भाई ना के बराबर थे। कोई भी ऐसी मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहा था जिसके अंदर बंदों को इंस्पायर करा जा सके इंस्पिरेशन के लिए। और बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे साथ ही सारे सीन के होते हैं, हमें क्यों नहीं कोई चीज़ मिलती रोड के ऊपर, तुम्हें क्यों सारा कुछ मिलता, हम भी दिल्ली में रहते हैं। तो भाई आप ध्यान दिया करो, ज़रूर मिलेंगे। हर कोई जगह हर किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है, बस हमारे ध्यान की बात होती है। जैसे उस लड़के को पर्स मिला, आपने भी देखा होगा कि भाई को पर्स मिला, मेरी निगाह नहीं पड़ी, मेरी बाइक थोड़ी तेज़ थी, उसकी निगाह पड़ गई। उसको क्यों पड़ी उसकी निगाह, क्योंकि भगवान ने जिसका पर्स था उसके तक पहुँचाना था। क्या पता कोई ऐसा अनजान बंदा उठा लेता जिसको पैसों की नीड होती तो वो कभी भी उस पर्स को नहीं वापस देता। कि अपनी नीयत साफ रखो यार, भगवान सारा कुछ बहुत जल्दी कर देगा। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा। पहली अचीवमेंट होती है यूट्यूब की कि सिल्वर बटन आ गया तो आप यूट्यूबर बन गए, क्योंकि अपना भी एक छोटा मोटा बिजनेस था। तो ये चीज़ें मैं शौक के लिए ही करता हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो लेके आया जिसके अंदर मैंने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी, और उसको देखा देखी बहुत से यूट्यूबर हैं और बहुत से भाई लोग हैं जिन्होंने वो वाली वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल दौर ही चेंज हो गया यूट्यूब का। सब हेल्प करो और लोगों की हेल्प हो, किसी का भला करोगे तो कर भला सो हो भला, कि किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। इंस्पायर इसी बात से करता हूँ, किसी का कैमरा लगा हुआ है चाहे नहीं लगा, भाई मैं बहुत बारी गाड़ी में होता हूँ, कितनी बार होता हूँ कि पता नहीं है भगवान की तरफ से है किसकी तरफ से। सीरियसली उस दिन की भी बात है जब इसको भी लेना था, तो जिनकी बाइक का वो भी साथ में थे, एक रेडी वाला आया तो उसने आके मुझे बोला कि पाजी मुझे राशन चाहिए, मैंने टर्बन वेयर करी हुई थी, मेरे मुझे घर पे आटा चाहिए। तो मैंने बोला तो 2 मिनट रुक जाओ, उनको मैंने रोक के मैं साइड में लेके गया, मैं कहा मुझे 5 मिनट दो, 5 मिनट बाद आपसे बात करते हैं। यार जो ये अचीवमेंट है इनके पीछे भी अपने भाइयों का हाथ है जिन्होंने मेरा साथ दिया। भाई गुरमन व्लॉग्स, उसका भी चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो गया, आप देख रहे होंगे, उस भाई ने भी बहुत मेहनत करी है, वो भी हेल्पिंग करता है जैसे मैं हेल्पिंग करता हूँ, वो भी हेल्पिंग ही करता है। भाई एक बात बोलूँगा 100 बातों की, सलाह देने वाले 1000 होते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। बस ये बात है कि भाई सलाह जो देने वाले हैं मेरे फैमिली वाले भी बहुत हैं, रिलेटिव्स भी हैं, पर साथ कोई खड़ा होकर राजी नहीं है। भाई मैं कभी भी YouTube ना करता, मुझे ये लोग ना बोलते, क्योंकि यार आपको पता कि मैं तो वैसे भी अब्रॉड चले गया था, मैं लंदन में था, जब मैं आया तो आके उसके बाद कोरोना हो गया तो सारी फ्लाइटें फ्लूटें मिस हो गई, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे थे, ना वीज़े मिल रहे थे, और वो तब शैनगंज से आए, उनके अभी तक उसको वीज़ा नहीं मिल रहे, कोरोना का इतना दौर चल रहा था, बहुत सारी एम्बेसी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि लोगों को नहीं जाने दिया गया। और मेरी भी किस्मत ऐसी थी, वो मेरी वीडियोस में ज़्यादा नहीं आता, ना मैं उसकी वीडियोस में ज़्यादा आता हूँ, वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। और भी लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता लाइव के अंदर, और भी बहुत भाई हैं जिन्होंने साथ दिया। सबसे इतना प्यार है कि हम ऑनलाइन नहीं फ्रेंड्स बनते, ये नहीं है कि किसी को फॉलो करने से कोई भाई बंधु है। बियर बाइकर सैमी को भी जानते होंगे, वो कोलकाता का राइडर है, मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनसे भी बात मतलब लगा लो कल रात को उनसे बात हो रही थी, तो मतलब 2-2 घंटे बात होने में निकल जाती कि इतनी इतनी देर बात होती कि प्यार है बस एक, जबकि हम सामने लोगों को दिखावे के लिए लोगों से मिल रहे हैं। तो मतलब कि सारे भाई प्यार करते हैं, सारे जो मोटो व्लॉगर हैं सबसे बात होती है। बियर बाइकर सैमी है जो, वो भी मुझे पूछ रहा कि गुरमन भाई तुम्हारा क्या लगता है, तो तुम्हारा भाई लगता है क्या ये वो, तो वो मेरा भाई नहीं, मेरे भाई से ऊपर है, क्योंकि यार देखो मेरा हर कोई जगह पर उसने साथ दिया है, ये नहीं कि मैंने नहीं दिया, मैंने भी दिया। मतलब कि आधी रात को मैं 2 बजे भी फ़ोन कर दूँ ना कि भाई ये काम है वो, तो भाई वो ऑन द स्पॉट उठ के आ जाएगा, वो भी आ जाएगा और मैं भी चले जाऊँगा। कि मतलब हमारा ये प्यार है कि हम ऑनलाइन वीडियोस नहीं बनाते। हमारा भी एक यार दोस्त है, उसने हमें डंडा करा था मेन कि भाई तुम यूट्यूब करो, ये बहुत कुछ कर सकते हो, भाई मैं तुम्हें खुद देखता हूँ, मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, तुमसे इंस्पायर हूँ, तो भाई आप काम करना शुरू करोगे तो मैं भी तुमसे और इंस्पायर होऊंगा। तो भाई उसकी वो बात बहुत अच्छी लगी, एक छोटी छोटी चीज़ बताई कि हमारा करने की नीयत भी नहीं थी। वीडियोज़ भी डालते थे तो वो फ़ोन करता था कि भाई यार वीडियोज़ नहीं डाली यार आपने, अगले दिन भी फ़ोन कर रहा है। कि रात को वो मेरे घर पर आ रहा था, कभी मैं उसके घर पर चले जाता हूँ, रात को गेमें खेल रहे हैं, ठीक है, कोई उसकी बात नहीं, बिजनेस की बात कोई नहीं, सिर्फ बातें चल रही है, तो भाई चिल आउट चल रहा है, ठीक है, रात को चिल आउट चल रहा है फुल टू। ये क्या हो गया, क्या हो गया भैया? सॉरी ब्रदर, सॉरी, सस्तीकाल भाई, सस्तीकाल जी, क्या हो गया? जा रहे हैं, हाँ जी उस साइड जा रहे हैं, कैसी जगह, तुसी किधर रहना है? मेरे को ये जाना था, ये हाथ के पूरा हुआ क्या आपके साथ? मतलब कि हुआ कुछ नहीं है, किस साइड मतलब किधर जाना है? मैं तो सुभाष नगर जाऊंगा, यहाँ से ना रमायापुरी की साइड हो जाऊंगा, फ्लाईओवर नहीं चढ़ूंगा, नीचे से राइट हो जाऊंगा। यहाँ पर टोल पंप में से किधर होगा?
हाँ जी पेट्रोल पंप, आपका पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, मैं लात लगा देता हूँ। वो कह रहे हैं मैंने पूछा ऐसे नीचे है। हाँ नीचे है वैसे, हाँ है पंप। वैसे आपने सीधा जाना है? आपने कहाँ जाना है? अच्छा आपने नीचे जाना, मैं छोड़ दूँ? नहीं तो ठीक है, ठीक है कोई बात, ओके जी। तो भाई चलो इनका वो काम हो गया, क्योंकि ना इसके फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही ना राइट साइड में पेट्रोल पंप है और उनको जाना भी वहाँ था। तो मतलब हमारी बात क्या चल रही थी कि भाई हमारे में प्यार इतना है कि रात को इकट्ठे वीडियो गेमें खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन से गेमें खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। रात को कभी वो मेरे पास आया गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कभी हॉस खास जा रहे हैं, कभी पार्टीज कर रहे हैं। तो मतलब वो सीन नहीं है कि भाई बहुत कम होता है कि मैं उसकी वीडियोज़ में देखूँ या वो मेरी वीडियो में देखे। जो चीज़ें आप करते हो वो भी वो चीज़ करता है। तो यार ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, हम ये भी चीज़ों को तो सोचते भी नहीं है कि बंदा वो कर रहा है तू कर रहा है, तो मतलब तुम्हारा कॉम्पिटिशन है भाई, तुम्हारे उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तुम्हारे कम है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक प्रेम प्यार वाली बात होती है। बाइकें भी घर पर खड़ी रहती है, ये भी वहाँ पर उसकी पार्किंग में खड़ी रहती है, भूसा भी खड़ी रहती है, तो ये भी खड़ी रहती है। जब मर्जी चाबी इसको भी लगाए वो ले जाए, जब मर्जी भूसा को चाबी लगाओ वो ले जाओ। KTM भी खड़ी है घर पे, RC भी खड़ी है, R15 भी खड़ी है, बुलेट भी खड़ी है। तो भाई ये चीज़ें बहुत छोटी हैं यार, ऐसा ये तो कुछ मायने ही नहीं रखता हमारे लिए। तो बस ये एक प्यार की बात होती है कि मैं बोलता कभी भी नहीं, पर ये भाई नीचे बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि भाई गुरमन भाई तुम्हारे क्या लगता है। तो मैंने कहा चलो आज खुल के बात कर दी जाए और बता दिया जाए, आपको भी आप भी खुश हो जाओगे। तो भाई स्पेशल शाउट आउट है गुरमन भाई को, गुरमन ब्लॉग्स को, जिन्होंने मेरा साथ दिया, सिल्वर बटन मेरा आया। सोनू प्लाहा को भी शाउट आउट है, ये ना होते तो मुझे ये अचीवमेंट ना मिल पाती। तो भाई दिल से उनको थैंक्स करना चाहूँगा मैं। मॉम डैड ने भी बहुत साथ दिया, क्योंकि मॉम डैड ने तो कभी ज़िंदगी में कुछ कहा ही नहीं, कुछ भी करा ना तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा। फादर भी पूरा सपोर्ट करते हैं, मदर भी पूरा सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर पीछे नहीं हटते। कोई भी चीज़ बोल दूँ तो मतलब कि वो होनी होनी है, कि किसी चीज़ में कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो सारे सपोर्ट करते हैं। मेरी सिस्टर हो गई, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो कि मेरा बड़ा ब्रदर जो कि USA में रहता है अमेरिका में, उसको भी बधाई दे देता हूँ। ये देखो मैं फोटो डाल दूंगा, ये मेरे भाई ने अभी रिसेंटली गाड़ी ली है। तो मतलब कि वो भी मेरी तरह ही शौकीन है, वो कार्स का शौकीन है और मैं बाइक्स का शौकीन हूँ। तो वो USA में रहता है, उसको अभी काफ़ी टाइम हो गया वो नहीं आया। फिलहाल अभी ये बीच में कोरोना नहीं होता तो मैं शायद अभी बाहर ही होता, ना मैं यूट्यूबर बन पाता। मुझे ना बोलते कि तू यूट्यूब कर, मैं कभी यूट्यूब नहीं करता। हमने मजाक मजाक में शुरू करा था और इतना अच्छा सारा कुछ होने लग गया, सारा कुछ बढ़िया चल गया कि हमारा कोई मोटिव भी नहीं था। हालांकि मैंने जब 2 महीने स्टार्ट करा तो मैंने मतलब कि एक दो बारी तो मतलब कि मैंने वीडियोज़ भी बिल्कुल डालनी बंद कर दी थी। मैंने कहा पड़ा रहेगा ऐसे ही, क्योंकि यार यूट्यूब वगैरह मैंने बहुत पहले शुरू करा था, शुरू नहीं करा था कि एक जैसे हम फेसबुक पे वीडियो डालते थे उसी तरह हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी। मेरी ये वीडियो आ रही होगी जहाँ पे गाने वाने सब लगाए थे, कुछ मोनोटाइजेशन का कुछ नहीं पता था, यूट्यूब का कुछ नहीं पता था। भाई इतना पता कि यूट्यूब पे वीडियो हम डालेंगे तो भाई डिलीट कभी नहीं होगी, मेरी वीडियो सेव रहेगी। तो ये मेरी है जहाँ पे मैंने सारी मतलब मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बताई हुई है, कौन सी मैंने गानों में काम करा है, कौन से मैंने एपिसोड में काम करा है और कौन से स्टंट शोज करे हैं, मैंने अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री बताई है। ये वीडियो आ रही है, आप ये वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा पिछला हमारा स्ट्रगल। शुरू से ना मैं काम करके बहुत खुश हूँ, मैं वेला नहीं रह सकता। हम द्वारका जाते थे स्टंट की प्रैक्टिस करने, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2010 की 2011 की। तब हम बाइक उठाते थे वहाँ चले जाते थे, पूरी पूरी धूप में लगे रहते थे, 2-2 बजे जाते थे, 12 से 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि मतलब शुरू से मैं काम करके खुश हूँ, मैं वेला बैठ के खुश नहीं हूँ। आप कोई भी चीज़ को पाने में लगे हो, आपको नहीं मिल रही ना, आपको एक मैसेज है, अपनी अप्रोच है वो अपनी चेंज कर दो, पर अपनी डायरेक्शन कभी चेंज मत करना। क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो आप उस जगह पे ज़रूर पहुंच जाओगे, आपको मेरा कहना यही है। क्योंकि यार देखो भगवान का नाम लो, सभी वहीं पे आपको लेके जाएंगे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, आप वहाँ पे चले जाओगे। मैं आज बताता हूँ कि जो सिल्वर बटन की ओपनिंग है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि किसी को भला करके मुझे खुशी मिलती है, जबकि मतलब मैं प्रॉपर मोटो व्लॉगर नहीं हूँ भाई, मैं एक एंटरटेनर हूँ। कि लोग कहेंगे तुम मोटो व्लॉगर हो, तुम मोटो व्लॉगिंग करते हो, तो यार मैं मोटो व्लॉगर अपने आप को ना कहता भाई, मैं एंटरटेनर हूँ। शौक है भाई सुपर बाइक चलाने का, रखने का, बस लगा लो कि अभी शौक ही पूरे कर रहे हैं, यही हिसाब है। यहाँ बंद करा हुआ, इधर से निकलेंगे हम, अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, उनको देंगे भाई खाने पीने के लिए, आज सेवा करेंगे। यार पता नहीं बाइक नीचे ना लग जाए यार, यहाँ से नीचे तो नहीं लग जाएगी, नीचे तो नहीं लग जाएगी, उतरी उतरी नहीं, निकल तो जानी चाहिए, भूसा होती तो नीचे लग जाती है ना, लगेगी तो नहीं। चलो निकल गई, आराम से ही निकल गई यार, हल्की सी टच हुई थी, निकल गई, बैठ। चलो भाई हम इकट्ठे सेवा करेंगे भाई, मास्क लगाओ पहले, लो आप भी लगाओ आंटी जी। आंटी मास्क क्यों नहीं लगा रहे यार, एक एक भाई सारे लाइन लगा लो पहले, सबको मिलेगा। लो थोड़ा ना पीछे पीछे हो जाओ, है सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ख्याल रखो। लो जी हाँ, इनको मास्क दे देते हैं।
मैं ना कोई बात नहीं, मैं आटा ले आता हूँ। बताओ कितना कितना चाहिए बताओ। हम तुम्हारे रहते हैं नीम के नीचे। ठीक है, नीम के नीचे रहते हो, कितना कितना भिजवाऊँ सामान बताओ। फिक्र हो खाने के लिए, बेफिक्र हो, बेफिक्र हो, ठीक है ठीक। बेटा बैठ जाओ उसके पीछे, तीन बच्चे लड़के। अभी सामान लेके आ रहा हूँ, सबको देके जाऊंगा, अभी लेके आ रहा हूँ सामान। बस बस ठीक, गांठ मार दो इनको ना उसके ऊपर रख। आप भी सेवा करा करो यार, सेवा करोगे तो भाई मेवा उसी में ही है। कि यार मैं ये कहूँगा कि सेवा उसकी करो जिसको ज़रूरत है। कि देखो सेवा हर कोई करना चाहता है, पर ये सोचता है कि हमारी जो सेवा है हमारे पैसे सही जगह पे लगे। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि भाई हम सेवा करें हमारे पैसे वेस्ट हो, क्योंकि हर कोई मेहनत से पैसे कमाता है। मैं देने गया था उनको केले और चिप्स, मैंने मास्क देखा उन्होंने नहीं लगाया, मैंने मास्क भी लगवा दिया उनको। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें तेल की बोतल चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए। मैंने कहा यहीं रुको, मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ। तो मैंने दोबारा उनको देने गया। तो भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो वीडियो को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।